वेलकम टू MLT स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए 20 करंट अफेयर्स लाए हैं जो जनवरी माह के हैं। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, 28वां विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर है नई दिल्ली। और इस पुस्तक मेले का विषय था गांधी द राइटर्स राइटर। क्वेश्चन नंबर 2, CA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका उत्तर है केरल। दोस्तों केरल के CM हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमन पहल की शुरुआत की? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 4, WHO ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। दोस्तों WHO का मुख्यालय जनेवा है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानम। क्वेश्चन नंबर 5, महिला कांग्रेस 2020 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उत्तर है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 6, किसे BCCI द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? इसका उत्तर है के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। BCCI की स्थापना 1928 में हुआ था, इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। दोस्तों BCCI का मुख्यालय नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 7, UNA ने किसे दशक का सबसे लोकप्रिय किशोरी घोषित किया है? इसका उत्तर है मलाला यूसुफजई। दोस्तों मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं और इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, CISF ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ईयर ऑफ मोबिलिटी। दोस्तों CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। CISF की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, PM नरेंद्र मोदी पर लिखी पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया था? इसका उत्तर है गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और ओमान का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? इसका उत्तर है नसीम उल बहार, जो मोरमुगाओ में हुआ था जो गोवा राज्य में अवस्थित है। दोस्तों ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा है ओमानी रियाल। क्वेश्चन नंबर 11, कहाँ पर चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल 2020 हुआ? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का संपन्न कहाँ हुआ? इसका उत्तर है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में है और यहाँ के CM हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 13, गणतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एडजुटेड कौन थी बनी? गणतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एडजुटेड कौन बनी? इसका उत्तर है कैप्टन तानिया। क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए किस जगह को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 मिला? इसका उत्तर है पुरी। दोस्तों पुरी उड़ीसा में है और यहाँ के CM हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2020 कब मनाया गया और इसका थीम क्या था? इसका उत्तर है 24 जनवरी।
दोस्तों 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाया जाता है और इसका थीम है लर्निंग फॉर पीपल प्लानेट प्रॉस्पर्टी एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 16, पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है नाइजर। दोस्तों नाइजर की राजधानी है नियामी और यहाँ की मुद्रा है अफ्रीकन फ्रॉन्क। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस थीम के साथ 2020 में मनाया गया? इसका उत्तर है 25 जनवरी और थीम है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत पर्व 2020 में कहाँ से शुरू हुआ? इसका उत्तर है लाल किला मैदान। और दोस्तों भारत पर्व 2020 का थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता? इसका उत्तर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 20, वैश्विक तीसरे आलू सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? इसका उत्तर है गांधीनगर, जो कि गुजरात में अवस्थित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए।